31 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फैक्ट्स जो कि शायद ही आपको पता होंगे। लाइक मूवी के स्टार्टिंग में नताशा वोंडा को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने के लिए कहती है। You guys know I can move things with my mind, right? Looking over your shoulder needs to become second nature. और मूवी के एंड तक ये सभी फ्यूजिटिव बन जाते हैं, जिसके बाद इन्हें हमेशा चुकन्ने रहना पड़ता है। आई मीन इन सभी कैरेक्टर्स के फ्यूचर्स को मूवी के स्टार्टिंग में फोरशैडो कर दिया गया था। और स्टार्टिंग में जब हमें कैप्टन को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है तो उस टाइम उसकी आंख पर अवेंजर्स लोगो लगा होता है, बट स्कोविया कोर्स के बाद कैप्टन की आंख पर ये अवेंजर्स लोगो नहीं होता, मीनिंग कि वो खुद को अवेंजर्स का पार्ट नहीं मानता। बाफ सीक्वेंस के दौरान मारिया स्टार्क टोनी को उसके डैड को गुड बाय कहने के लिए कहती है। और आयरन मैन मूवी में जब टोनी टैनरिंग से छुटकर आता है तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी ओपनिंग लाइंस यही होती हैं। आई नेवर सेड गुड बाय टू माय फादर। I never got to say goodbye to my father. और इस सीन में टोनी कहता भी है। That's how I wish it happened. Well, तो स्कोविया कोर्स वाली मीटिंग के दौरान जो कैरेक्टर्स टेबल के राइट में बैठे होते हैं तो ये सभी इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की स्नैप के बाद सरवाइव नहीं कर पाते, पर लेफ्ट में बैठे सभी सरवाइव कर पाते हैं। और इनमें से टोनी सबसे अलग बैठा हुआ था, जो कि इन्फिनिटी वॉर में वकांडा बैटल का पार्ट नहीं होता। और ये डिटेल मुझे इस मूवी की सबसे माइंड ब्लोइंग डिटेल लगी है। पैगी कार्टर के फ्यूनरल पर शैरन जो एक पावरफुल स्पीच देती है। Even if the whole world is telling you to move, it is your duty to plant yourself like a tree. Look them in the eye and say no. तो एक्चुअल में अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक से ली गई थी, जिसमें यही सेम स्पीच कैप्टन अमेरिका ने स्पाइडरमैन को दी थी, बट मूवी में हमें उसका शॉर्ट वर्जन दिखाया गया था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में ब्लैक पैंथर एंड स्पाइडरमैन की एमसीयू में फर्स्ट एंट्री हुई थी, जिसमें टचाला एके ब्लैक पैंथर के रोल के लिए एक्टर चैडविक बोसमैन का किसी भी तरीके कोई भी ऑडिशन नहीं हुआ था, क्योंकि मार्वल ने चैडविक को सीधा ही एमसीयू को ज्वाइन करने के लिए कहा था। It was really that simple. और इस मूवी में टचाका की मौत जीमो की वजह से होती है, जिसके बाद टचाला अवेंजर्स को ज्वाइन करता है ताकि वो उसे पकड़ सके, बट कॉमिक्स में टचाका को क्लो ने मारा था, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए टचाला फैंटास्टिक फोर को ज्वाइन करता है। और पहले टचाला का इस मूवी में बहुत ही छोटा सा रोल होने वाला था, जिसमें उसे इसके ब्लैक पैंथर सूट में भी नहीं दिखाया जाता और ज्यादा फोकस स्पाइडरमैन पर किया जाता, जिसके बाद ब्लैक पैंथर की ओरिजिन को उसकी सोलो मूवी में ही एक्सप्लोर किया जाता। बट मार्वल को उस टाइम स्पाइडरमैन को एमसीयू में यूज करने की परमिशन नहीं मिल रही थी, जिसके चलते ब्लैक पैंथर के रोल को इस मूवी में बढ़ाया गया था। और जब बाद में मार्वल को स्पाइडरमैन को यूज करने की परमिशन मिली तो उस टाइम तक टचाला का सिविल वॉर मूवी की स्टोरी में एक मेजर रोल हो गया था, जिसके चलते स्पाइडरमैन के रोल को छोटा करना पड़ा था। बकी को जो फर्स्ट टाइम रोमानिया में दिखाया जाता है तो उस टाइम एक फ्रूट शॉप से प्लम्स खरीद रहा होता है, और प्लम्स ब्रेन हेल्थ एंड मेमोरी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, मीनिंग कि बकी इस फ्रूट की मदद से अपने विंटर सोल्जर बनने से पहले की मेमोरीज को याद करने में लगा होता है। और इस हाईवे चेस सीन के दौरान जब बकी एक मोटरसाइकिल को हाथ से पकड़कर उस पर बैठता है, जो कि बाय द वे बहुत ही ऑसम सीन है, तो स्टंट को प्रैक्टिकली बिना सीजीआई के किया गया था, जिसमें इस बाइक को स्टंट रिग्स में अटैच किया हुआ था। वेल तो सिविल वॉर मूवी की बात इस सीन के बिना तो हो ही नहीं सकती, जब स्टीव रोजर्स इस हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से रोकता है, जिसे डायरेक्टर जो रूसो ने इस मूवी का मोस्ट पावरफुल शॉट कहा है, और इस सीन को भी प्रैक्टिकली शूट किया गया था, जिसके लिए क्रिस इवांस को जिम में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी ताकि वो अपने इन बाइसेप्स को दिखा सके, जिसे करते हुए उनकी आर्म मसल्स भी इंजर्ड हो गई थी। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस मूवी में स्टीव को उसके कैप्टन अमेरिका सूट के बाहर ज्यादातर टी शर्ट्स में ही दिखाया गया है, जो की जानबूझकर किया गया था, जिसमें क्रिस इवांस को उसके रेगुलर साइज से छोटी टी शर्ट्स पहनाई जाती थी ताकि मूवी में इवांस की इन मसल्स को दिखाया जा सके। एंड मूवी में जब फर्स्ट टाइम पीटर पार्कर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस टाइम उसने एक डीवीडी प्लेयर को अपने हाथ में पकड़ा होता है, और ऐसे ही सेम तरीके से द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में एंड्रू गारफील्ड का पीटर अपने स्केटबोर्ड को पकड़ता है, और इसके बाद जब पीटर को सामने से दिखाया जाता है तो उस टाइम उसने एक पिज्जा टी शर्ट पहनी होती है। एंड स्पाइडरमैन 2 मूवी में टोबी मैग्वायर के पीटर ने एज ए पिज्जा डिलीवरी बॉय काम किया हुआ है, सो आई थिंक इस मूवी में नए स्पाइडरमैन के इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रीवियस स्पाइडरमैन को भी एक नोट दिया गया था, और साथ ही न्यू स्पाइडरमैन के रोल के लिए अच्छी खासी ऑडिशनिंग हुई थी, जिसमें एक्टर टॉम हॉलैंड को 6 फाइनलिस्ट के बीच में से चुना गया था, जिसकी वजह हॉलैंड के डांसिंग एंड जिमनास्टिक स्किल्स थे। एंड टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर एक स्पाइडरमैन को प्ले करने वाले अब तक के सबसे यंगेस्ट एक्टर हैं, जिनकी एज इस मूवी के टाइम 19 साल थी। मूवी के सीन में वांडा विजन की बॉडी को कंट्रोल कर लेती है, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वांडा को भी इसकी पावर्स माइंड स्टोन से ही मिली थी, और इस सीन में वांडा अपनी पावर से विजन को नहीं गिराती बल्कि उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उसके बॉडी मास को बढ़ा देती है, जिसके बाद विजन ओवरवेट की वजह से खुद ही नीचे गिर जाता है। और इसके बाद जब होकाई वांडा को मैसेज से जुड़ा कर एयरपोर्ट पर लाता है तो उस टाइम वो कैप्टन से मिलते हुए कहता है, You know, I wouldn't have called if I had any other choice. Hey, man, you're doing me a favor. Besides, I already did.
जिसमें हॉकआई वांडा का कोई कर्ज उतारने की बात करता है, जो कि एक्चुअल में कॉलबैक था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी को, जिसमें वांडा के भाई यानी कि क्विकसिल्वर ने हॉकआई को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। वेल तो एयरपोर्ट फाइट से पहले आयरन मैन स्पाइडरमैन को अंडरूज कहकर बुलाता है। और अंडरूज एक्चुअल में छोटे बच्चों के अंडरवेयर्स को कहा जाता है जिन पर सुपरहीरोज बने होते हैं, और इन अंडरवेयर्स को फर्स्ट टाइम 1977 में रिलीज किया गया था, जिनमें स्पाइडरमैन वाली अंडरूज सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। और इसी डिटेल को ध्यान में रखते हुए इस मूवी में स्पाइडरमैन को अंडरूज कहकर इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस मूवी में दिखाया गया स्पाइडरमैन सूट टोटली सीजीआई था, जिसके लिए टॉम हॉलैंड को एक मोशन कैप्चर सूट पहनना पड़ा था, और साथ ही एक प्रोटोटाइप स्पाइडरमैन सूट भी तैयार किया गया था, जिसका फिल्मिंग के टाइम ना के बराबर यूज किया गया है। और इसी फाइट के तुरंत जब स्पाइडरमैन कैप्टन फर्स्ट टाइम मिलता है, तो उस टाइम वो उसे कहता है कि उसकी शील्ड फिजिक्स के लॉज को ओबे नहीं करती। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन की वर्डिंग दो तरीके से सही है। फर्स्ट की शील्ड वाइब्रेनियम की बनी होती है, और ब्लैक पैंथर मूवीज देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि वाइब्रेनियम किसी भी इंपैक्ट को सीधा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखते हुए इस वाइब्रेनियम शील्ड को भी उसके फर्स्ट हिट के बाद उस इंपैक्ट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, बट ये उछल कर वापस आ जाती है। एंड सेकेंड, अगर हम वाइब्रेनियम को भी हटा कर नॉर्मल शील्ड की भी बात करें, तो उसे अपने टारगेट पर हिट होने के बाद उसका थोड़ा सा मोमेंटम लूज होना चाहिए, बट इस शील्ड को कैप्टन जिस स्पीड से फेंकता है, तो ये अपने टारगेट से टकराते हुए उतनी स्पीड में वापस आ जाती है, जिसके हिसाब से स्पाइडरमैन की स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। और इसी फाइट के दौरान हम एक सीन में एटमैन को हॉकआई के एरो पर दिखाया जाता है, तो ये सीन डायरेक्टली अवेंजर्स कॉमिक से ही लिया गया था। और फाइट का ये सीन जो फाल्कन आयरनमैन के हेलमेट पर अपने ये रेड विंग मारता है, तो उसके बाद आप आसमान में जाल देख सकते हो, मीनिंग के टोनी की मदद से फाल्कन को पकड़ने के लिए तैयार था, बट उसका मोमेंटम खराब हो जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। एंड एयरपोर्ट फाइट के बाद टोनी नताशा से कहता है, तो इसी स्टोरी को ब्लैक विडो मूवी में कंटिन्यू किया गया था, जिसमें स्टीव एंड बकी के स्कैम में उनका साथ देने के जुर्म में रोज नताशा के पीछे लगा होता है। और इसके बाद जब टोनी को जीमो की रियल आइडेंटिटी का पता चलता है, तो इस सीन में हमें जिस रियल साइकियाट्रिस्ट थियो ब्राउजेट को दिखाया जाता है, तो एक्चुअल में इसे डायरेक्टर जो रूसो ने प्ले किया था। और जब टोनी प्रिजन में कैप्टन की टीम से मिलने के लिए जाता है, तो उस टाइम हॉकआई टोनी को द फ्यूचरिस्ट कहकर बुलाता है। जो कि आई थिंक नोट था रॉबर्ट डोनी जूनियर की एल्बम द फ्यूचरिस्ट को, जिसे आरडीजी ने 2004 में रिलीज किया था। और शायद ही आपने नोटिस किया हो, बट बकी टोनी के पेरेंट्स को मारने के लिए अपने अलग अलग हाथों का यूज करता है, जिसमें वो टोनी के डैड होवर्ड को अपने मेटल हैंड से मारता है, और उसकी मोम को अपने ह्यूमन हैंड से। एंड टोनी एंड कैप्टन के बीच की फाइनल फाइट के कुछ सीन्स डायरेक्ट कॉमिक से इंस्पायर थे, लाइक जब टोनी कैप्टन के ब्लास्ट को अपनी शील्ड से रोकता है, तो ये आइकॉनिक सीन सिविल वॉर कॉमिक्स के मेन कवर से इंस्पायर था। और उसके बाद जब कैप्टन टोनी के आयरन मैन हेलमेट को शील्ड से मारकर उसके चेहरे से हटाता है, तो ये सीन भी सिविल वॉर कॉमिक से ही लिया गया था। और इसी सेम सीन में कैप्टन आर्क रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने से पहले टोनी के चेहरे से उसके आयरन मैन हेलमेट को हटाता है, जो कि एक्चुअल में कैप्टन अमेरिका ने जानबूझकर किया था, क्योंकि अगर वो हेलमेट को हटाने से पहले सूट के आर्क रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता, तो सूट में ऑक्सीजन की कमी से टोनी का दम भी घुट सकता था, क्योंकि ये पूरा सूट आर्क रिएक्टर पर ही चलता है। सिंपली सेइंग कि टोनी कैप्टन को मारने के बजाय सिर्फ इस फाइट को खत्म करना चाहता था। और इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका का फेवरेट कैचफ्रेज भी सुनने को मिला था, जो कि द विंटर सोल्जर के अलावा दो बार द फर्स्ट एवेंजर मूवी में भी बोला गया था। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि तीनों बार जब भी कैप्टन ने अपने इस आई कुड डू दिस ऑल डे वाले कैचफ्रेज को बोला है, तो उसके बाद या तो उसको किसी ने बचाया है या किसी ने उसकी मदद की है। लाइक द फर्स्ट एवेंजर में जब स्टीव पहली बार इस लाइन को बोलता है, तो उस टाइम बकी उसकी मदद करता है। सेकेंड टाइम सोल्जर्स, एंड सिविल वॉर में एक बार फिर बकी, एंड ऑल्सो इन दोनों ही सीन्स में कैप्टन का स्टैंस भी सेम ही होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर अपने वेब शूटर से एक स्पाइडी सिग्नल को दिखाता है, जो कि एक्चुअल में कॉमिक से ही इंस्पायर्ड था, जिसमें स्पाइडरमैन अपने स्पाइडी सिग्नल को अपनी वेस्ट बेल्ट से एमिट किया करता था। और हालांकि ये कैप्टन अमेरिका की मूवी हो, बट फिर भी इस मूवी में एक्टर क्रिस इवांस एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर के स्क्रीन टाइम में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सिविल वॉर में क्रिस इवांस का स्क्रीन टाइम 38 मिनट 15 सेकंड है, एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर का स्क्रीन टाइम है 37 मिनट 15 सेकंड, जिसमें सिर्फ 1 मिनट का ही डिफरेंस
है। बट ओरिजिनली मार्वल रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इस मूवी में एक छोटे से रोल के लिए हायर करना चाहते थे, पर आरडीजी ने इस मूवी में एक बड़े रोल की डिमांड की थी, इस पर मार्वल सीईओ ने इनके कैरेक्टर यानी टोनी स्टार्क को मूवी से हटाने के लिए कह दिया था। जिसके बाद मार्वल प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने बाकी सबको कन्विंस करते हुए आरडीजी को इस मूवी में एक बिगर रोल दिया था। इसके लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को $40 मिलियन मिले थे और साथ ही ये भी प्रॉमिस किया गया था कि अगर सिविल वॉर मूवी द विंटर सोल्जर मूवी के बॉक्स ऑफिस को बीट करेगी तो फिर इन्हें एक्स्ट्रा पे आउट भी मिलेगा, जो कि इस मूवी ने किया भी। और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर एंड द विंटर सोल्जर मूवी के फैक्ट्स को जानने के लिए आप मेरे इन दो वीडियोस को देख सकते हो।